नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बारे में। वीडियो पूरा देखिएगा। प्रेजेंट में बीजेपी की सरकार 15 स्टेट में है और वहीं पे बहुमत के साथ 6 स्टेट में है और वहीं पे कांग्रेस की सरकार 7 स्टेट में है। आखिर कैसे कांग्रेस पीछे रह गए और बीजेपी आगे आ गई, चलिए जानते हैं। 2024 में इलेक्शन है और इसमें दो ही पार्टी टक्कर के हैं, एक बीजेपी और दूसरा कांग्रेस। बात उस समय की है जब कांग्रेस सरकार की पार्टी थी, तब उस समय माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उस समय राहुल गांधी 28 साल के थे। तब राहुल गांधी जी को अगर कोई रक्षा मंत्रालय, फाइनेंस मंत्रालय मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि जीत के लिए सुर्खियों में रहना पड़ता, आपको जनता की नजर में रहना पड़ता। आपने देखा होगा बीजेपी के कार्यकर्ता हर वक्त सुर्खियों में रहते, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सुर्खियों में नहीं रहते। अगर रहते भी होंगे तो उन्हें दिखाया नहीं जाता है। अब जानते हैं फेस वैल्यू की। अगर बीजेपी की बात करें तो नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी जी, अमित शाह, अरुण जेटली जी, राजनाथ सिंह, मनोज तिवारी, बहुत सारे। इधर कांग्रेस में आप कितने को जानते हैं, चले जानते हैं। मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, मल्लिक अर्जुन, अजय माखन, रणदीप सिंह, कपिल सिब्बल और एक कन्हैया कुमार जो बड़े चर्चित में रहते हैं। एक नजर इधर भी डालते हैं जो काफी सुर्खियों में रहते हैं। आरजेडी से तेजस्वी यादव, चंद्रशेखर आजाद, आम जनता पार्टी से केजरीवाल, समाजवाद पार्टी से अखिलेश यादव। इधर राहुल गांधी जी कांग्रेस को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, यह काफी सुर्खियों में है। इसी के वजह से उन्होंने कर्नाटक में जीत हासिल की है। हालांकि काफी लंबे समय से कांग्रेस सरकार किसी न किसी राज्य में जीत हासिल की है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी अच्छी नहीं है, एक से एक नेता है इसमें। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनकी तो एक किताब है जो बड़ी फेमस है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो काफी दुनिया में मशहूर हुए थे। अब यह देखना है कि 2024 में किसकी सरकार बनती है। साथ ही आप अपना राय कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।